डिस्कसिंग अबाउट द स्पेक्ट्रम। ठीक, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? स्पेक्ट्रम क्या होता है? बचपन से पढ़ा हुआ है आपने, है ना? क्यों? अरे व्हाइट लाइट को आप रिजॉल्व करते हो, हाँ, सात रंग के सपने आते हैं, है ना? विप्योर वायलेट का होता है नीचे एंड पे होता है, रेड ऊपर में होता है ना। तो ये स्पेक्ट्रम आपका हो गया। और ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कब हो जाएगा? ये जो स्पेक्ट्रम है, देखो मैं आपको बताता हूँ, स्पेक्ट्रम जो है कितने टाइप के होते हैं। स्पेक्ट्रम कितने टाइप के हो गया? एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या बोला? एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं। एमिशन कितने टाइप का होता है? कंटिन्यूस एंड लाइन, कंटिन्यूस एंड लाइन। तो आप जो यहाँ देख रहे हो, यहाँ मैंने लिखे हैं कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम, ये दोनों एग्जाम्पल ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एमिशन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो। पहले तो हम समझते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम समझ में आ गया आपको? एमिशन स्पेक्ट्रम में पहले कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देख लो। अगर किसी सोर्स ऑफ लाइट जैसे कि सन और बल्ब, उससे अगर तुम जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जैसे यहाँ पे है ना, ये लाइट बल्ब था या सन था, सन से लाइट आए, वो जो स्पेक्ट्रम आई कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब क्या हुआ? Does it have any well-defined boundaries? No. एकदम स्मच करेगा ना, रेड ऑरेंज येलो ऐसे स्मच करते जाएगा, वो कंटिन्यूस होगा, वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। तो ये कंटिन्यूस समझ में आ गया मिशन में। और अब हम समझेंगे लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम? नाउ लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि मान लो कोई एलिमेंट है, क्या है? कोई एलिमेंट, और देखो हर एक एलिमेंट का एक यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम होता है। क्या बोला? हर एक एलिमेंट का एक यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लाइन स्पेक्ट्रम एक फिंगरप्रिंट की तरह होता है, जैसे आपका एक यूनिक फिंगरप्रिंट है, यूनिवर्स मार्क किसी चीज का नहीं होगा। वैसे एक एलिमेंट का जो कलर बैंड ऑफ कलर्स बनेंगे, एक एलिमेंट के जो स्पेक्ट्रम बनेंगे वो फिक्स है, वो दूसरा एलिमेंट का नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आया भाई? हर एलिमेंट क्या विप्योर देगा? सातों रंग देगा? नहीं ना, किसी में कुछ एलिमेंट में कोई कलर्स मिसिंग होंगे, आर यू गेटिंग इट? किसी में कुछ मिसिंग होगा, तो उसी को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, देखो इधर एक हमने स्क्रीन लगा दी, यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं स्पेक्ट्रम। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में ट्रांजिट करता है, ध्यान देना, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में ट्रांजिट करेगा तो क्या लिबरेट करेगा? एनर्जी, एनर्जी रिप्लेस करेगा, है ना? और ये जो एनर्जी इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ फ्रीक्वेंसी होगी और कुछ वेवलेंथ होगा। मान लो इसने दो टाइप की वेवलेंथ इसने एमिट की, लैम्डा वन एंड लैम्डा टू, तो यहाँ पे कौन से कलर्स दिखेंगे? लैम्डा वन और लैम्डा टू दिखेंगे। इसी को लाइन स्पेक्ट्रम, ये लाइन स्पेक्ट्रम हो गया किसका? मान लो ये कोई एलिमेंट था, मान लो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम बन गया ना। मान लो रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, लैम्डा वन मतलब एक कलर होगा, तो ये रेड है, ये ब्लू है, तो ये मान लो किसी एक एलिमेंट का है। और कोई एलिमेंट बताओ सकता है वो लैम्डा थ्री भी दे रहा है ना, तो तीन कलर्स का भी हो सकता है। तो ऐसे करके कई कलर्स आपको दिखेंगे, अच्छा कुछ कलर्स नहीं भी दिखेंगे। तो इसका मतलब ये वो कौन सी रीजन में लाई कर रहे हैं? क्या वो विजिबल रीजन में लाई कर रहे हैं? नहीं, विजिबल वाले दिखेंगे और जो इनविजिबल वाले वो तो नहीं दिखेंगे ना, इंफ्रारेड और यूवी, बट वो भी होंगे, वो भी पार्ट ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम ही होंगे, बट वो दिख नहीं रहे, ऑब्जर्वेबल नहीं, समझ रहे हो? तो यहाँ पे हुआ कि आप ध्यान से सुनो, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आता है, यानी कि NH हायर ऑर्बिट टू NL लोअर ऑर्बिट, सो वो एनर्जी एमिट करता है जिसके करस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ एमिट होती है कि नहीं? अच्छा, इससे पहले क्या फिनोमेना हुआ होगा? ये इलेक्ट्रॉन पहले क्या होगा, हमने इसको एनर्जी दी होगी, लेट्स से E लैम्डा न्यू एनर्जी दी है, और ये जंप किया होगा पहले यहाँ पे। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो अंदर था उसको हमने एनर्जी दी, उसको जंप कराया, और जब थोड़ी देर बाद उसको छोड़ दिया तो वो अपने आप नीचे गिरेगा, एनर्जी लूज करेगा। जब वो गिरेगा तो उसने मान लो लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री वेवलेंथ रिलीज की, यानी कि जो नेट एनर्जी थी पहले कितनी थी? ई, और इसने कितनी एनर्जी रिलीज की? ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री हायर मान लेते। तो यहाँ लैम्डा ई की जगह हम लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा वन प्लस एच सी बाई लैम्डा टू प्लस एच सी बाई लैम्डा थ्री, देयरफॉर हम बोल सकते हैं वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा वन प्लस, है ना? ये लाइन स्पेक्ट्रम की खासियत होगी, मान लो और वेवलेंथ होते और ऐड करते जाते हैं, अरे तो इस तरह से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एमिशन स्पेक्ट्रा समझ में, एमिशन मतलब जो रेडिएशन एमिट हुए उनके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ कलर्स दिखे,
बट क्या ये कंटिन्यूअस थे? नहीं, ये लीनियर फैशन में थे, डिस्क्रीट थे, नॉट कंटिन्यूअस. गॉट इट? एनी डाउट? नो. शैल वी प्रोसीड? ओके, वेरी गुड. सो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया. लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम मैंने बता दिया, ये ऑब्जॉर्ब किया. और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं. तो लाइन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है बताओ? When white light is passed through solution or vapors of a chemical substance and analyzed by spectroscope, then some dark lines are absorbed in the otherwise. होता क्या है? एक solution, उससे हमने क्या pass किया? White light. तो क्या हुआ? मान लो यहाँ पे एक स्क्रीन, एक फिल्टर लगा हुआ है और यहाँ स्क्रीन है. तो स्क्रीन पे हमें क्या दिखने लगेगा बोलो? पर यहाँ इधर 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 हमने लगा दिया मान लो, तो यहाँ पे हमें क्या होगा? व्हाइट लाइट गई. हाँ, या तुम ऐसे समझो, इस तरह से समझना थोड़ा कंफ्यूजन है. ऐसे समझो, मान लो यहाँ पे आप लोग ये बेंच पे तीन लोग बैठे हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे हूँ. मैं यहाँ पे बेंचेस खाली हैं. मैंने मान लो काव्या को बुला लिया आगे, अरे मैंने तुमको आगे बुला लिया. और तो तुम बताओ, तुम आगे आए जब, तो तुम अब ये नया डायग्राम क्या होगा? तुम यहाँ पहुँच गए हो और तुम्हारी जगह क्या बन गया? खाली. तो ये क्या बन गया? डार्क लाइन बन गई ना. तुम्हारी जगह पे डार्क लाइन बन गई कि नहीं? मतलब एक डैश आ गया. जितने वेवलेंथ मैं खींचूंगा उतनी डार्क लाइन बनेगी यहाँ पे. मतलब वो वेवलेंथ गायब हो रहे हैं. आर यू गेटिंग इट? मतलब उनकी एनर्जी में, उन कलर्स की एनर्जी खींच ले रहा हूँ. आर यू गेटिंग इट? तो जब भी एटम यहाँ पे जो एनर्जी हम दे रहे थे, जो एनर्जी खींच रहा था, उसके करस्पॉन्डिंग जो कलर्स गायब होंगे कुछ, है ना? तो यहाँ पे जब स्क्रीन लगा दे तो वहां एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बन जाएगा. ऐसा सोचो, मतलब उल्टा एमिशन का उल्टा. एमिशन में क्या था? जब हायर से लोअर गया तो जो एमिट कर रहा था, और एब्जॉर्प्शन में लोअर से हायर जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एब्जॉर्ब करेगा ना एनर्जी. जब लोअर से हायर जाएगा तो पीछे उसके जहां जो एनर्जी उसने खींची है उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ गायब हो जाएंगे. समझ में आ रही बात? क्या बोला तुमको? मैंने बुला दिया आगे, यहाँ पे तो तुम्हारी खाली जगह हो गई. क्यों बुलाया इसको आगे? कि मैं आगे चला जाऊं. मान लो मैं तुमसे एनर्जी ले रहा हूं, मैं तुम्हारी एनर्जी खींच ली तो मैं आगे चला गया, लेकिन तुम आगे आ गए पर तुम्हारी खाली जगह हो गई ना, तो इसकी वेवलेंथ गायब हो गई कि नहीं वहां पे? तो वहां डार्क लाइन अपीयर हो जाएगी. बस ये चीज. सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा इज ओवर. और हमारे सिलेबस में कौन से स्पेक्ट्रम है? ओनली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो ये नोट करो. अब हम चलते हैं इस फॉर्मूले पे. आईटी जेई में सवाल एआई ट्रिपल या जेई मेंस में आ चुका है सवाल, तो इसलिए ये फॉर्मूला इस टाइप की चीजें याद रखना. एमिशन स्पेक्ट्रम में यूज होती है. लाइन स्पेक्ट्रा सबका यूनिक है, इट्स लाइक अ फिंगरप्रिंट ऑफ द एलिमेंट. लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है? लाइन और कंटीन्यूअस किसके अंदर आते हैं? एमिशन के अंदर. एनी डाउट? शुड आई रेज? नोट करो. ये रिडबर्ग कांस्टेंट के बारे में,
एनसीईआरटी में भी न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। ये तो बता देना कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, वीडियो देख लेना, वीडियो तो है। समझ में आ गया? ठीक है, ये समझ में आ गया वेव नंबर क्या हो गया, ये हो गया कि नहीं, है ना? अच्छा, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी होती तो मैं क्या करता, अगर मैं इधर सी से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी सी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे यहां पे क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अरे सी बाय लैम्डा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में तो यहां पे भी सी से मल्टीप्लाई करूंगा जेड स्क्वायर आर, है कि नहीं? आर यू गेटिंग इट? तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी हर्ट्ज में। अब सुनो, Z हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू क्या होती है बताओ, हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, Z एटॉमिक नंबर है 1, सो Z की वैल्यू 1 होती है। तो बताओ यहां वेव नंबर का फार्मूला क्या बन गया, 1 अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू R इनटू 1 अपॉन NL स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NH स्क्वायर, है ना? सो ये H एटम के लिए बन गया, ठीक है, नोट कर लो पहले तो ये फॉर्मूला। एच एटम हम लोग यूज करेंगे क्योंकि स्पेक्ट्रम जो है वो हाइड्रोजन एटम का ही पूछा जाता है ज्यादा, या हाइड्रोजन लाइक आयन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक आयन में क्या सिमिलैरिटी है ये बताओ, दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, सब में एक इलेक्ट्रॉन है। व्हाट आर दी हाइड्रोजन एटम तो बताइए, एच हीलियम प्लस हाइड्रोजन लाइक हो गया, बेरिलियम 2 प्लस भी हाइड्रोजन लाइक हो गया, सॉरी लिथियम 2 प्लस, फिर बेरिलियम 3 प्लस, बोरॉन 4 प्लस, ऐसे करके समझ रहे हो मेरी बात, एंड सो ऑन। देख लो एक बार सही लिखा है, ठीक है ना, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना इन सब आयंस में, हीलियम प्लस से लेकर हाइड्रोजन, तो सब में, सब इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। सो ये फॉर्मूला हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जेड की वैल्यू उन आयंस के लिए जनरली पूछी जाएगी, या तो आयंस देंगे या एच दे देंगे, ठीक है, गॉट इट? यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे जनरली, तो ये नोट कर लो आप, क्योंकि ट्रांजिशन किसका हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ना, लोअर से हायर या हायर से लोअर, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, ये जितनी एनर्जी ट्रांस एमिट हो रही है ये कितने इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए हो रही है, एक, इसलिए सिंगल इलेक्ट्रॉन को ही पढ़ रहे हैं हम, इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बिठा दे। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना, काम आएगी। सो मैं आपके लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाने से पहले चलो बनाई देते हैं, बना दे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये एग्जैक्टली नहीं बना रहा पर ऑलमोस्ट मिस गैप्स आप में बराबर रख रहा हूं, नहीं रख रहा हूं, गैप थोड़े ज्यादा कम हो सकते हैं। Now n 1 2 3 4 5 6 7 n 1 n 2 n 3 n 4 n 5 n 6 n 7 ऐसे करते करते n क्या हो गया इंफिनिटी, ठीक है, मतलब ये एनर्जी लेवल से अब इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से किसी भी एनर्जी लेवल तक आ सकता है, आया ना? बताओ
जब ये इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से या तो फर्स्ट तक आए तो बता सबसे ज्यादा एनर्जी कब एमिट होगी, जब वो कहां से कहां तक आए, इंफिनिटी टू फर्स्ट आए, समझ रहे हो मेरी बात, उसके उससे कम थोड़ी यहां से यहां और कम होती जाएगी, एनर्जी कम होती है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होती कम, वेवलेंथ क्या होती बढ़ती जाती, हाँ या ना, क्योंकि आपको बताया गया था एनर्जी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडिएशन के लिए और वेवलेंथ उल्टा, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो बताओ विच इज हैविंग मैक्सिमम एनर्जी, विच इज द लाइन हैविंग मैक्सिमम एनर्जी, इंफिनिटी टू वन, सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी कौन सी लाइन होगी, मिनिमम वेवलेंथ वाली लाइन कौन सी होगी, इंफिनिटी टू वन होगी, है ना, मिनिमम वेवलेंथ भी इंफिनिटी टू वन है ना, समझ रहे हो मेरी बात, तो ये जो सीरीज है इसको लाइमन सीरीज का, ये जितने भी ट्रांजिशंस है ये किस सीरीज को करस्पॉन्ड करते हैं, लाइमन, और बताओ इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर ट्रांजिशन, तो इनको ये कौन से रीजन में लाई करते हैं, यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है, इनकी सारी ट्रांजिशन मतलब इनसे जो रेडिएशन निकल रहे है ना, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ना हायर टू लोअर, तो जो रेडिएशन एमिट हो रहे हैं उनकी किस रेंज में वैल्यू आ रही है, वेवलेंथ की, यूवी रीजन, ठीक है, एनी डाउट नो, फिर तुम लोग वही क्या श्रॉफ जैकेट टाइगर श्रॉफ बनना चाह रहे हो, क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो, ये देखो यहां से यहां कौन सी, बताओ किस में ज्यादा होगी, लाइमन ज्यादा तगड़ा या बामर सीरीज ज्यादा तगड़ी, लाइमन सीरीज ज्यादा एनर्जी देगी या बामर सीरीज, लाइमन, क्योंकि यहाँ इंफिनिटी टू वन था बट यहाँ इंफिनिटी टू टू है, ये इसकी भी एनर्जी यहाँ पे इस सीरीज के लिए सबसे मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बट मिनिमम वेवलेंथ, अच्छा बताओ ये सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ वाली लाइन कौन सी, लाइमन सीरीज के लिए 2 to 1 मैक्सिमम वेवलेंथ की हो जाएगी, समझ लो मिनिमम एनर्जी मिनिमम फ्रीक्वेंसी बट मैक्सिमम वेवलेंथ, वेरी गुड, फिर आपकी कौन सी ट्रांजिशन, एनी हायर टू थर्ड, इट्स कॉल्ड पाश्चन सीरीज, पाश्चन पाषाणा ठीक है, ये कौन सी रीजन में लाई करती है बामर सीरीज के बाद, ये विजिबल, तो जो हम देख पाते हैं ना कौन सा जो स्पेक्ट्रम वो किस रीजन में आती है, बामर सीरीज में हम देख पाते हैं, जो नहीं देख पाते वो इधर या इधर होगी, अल्ट्रावायलेट मतलब इसकी एनर्जी अल्ट्रावायलेट की एनर्जी ज्यादा होती है ना विजिबल से, फिर यहां पे नियर इंफ्रारेड, इसको बोलेंगे नियर इंफ्रारेड, पाश्चन सीरीज नियर इंफ्रारेड रीजन को करस्पॉन्ड करेगा, मतलब रेड कलर के जस्ट बाजू में, फिर एनी हायर टू फोर्थ, इसको बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज, कौन सी ब्रैकेट सीरीज, ये नॉर्मल इंफ्रारेड रीजन को करस्पॉन्ड करेगा, बीच में का इंफ्रारेड के बीच में, तो इसको इंफ्रारेड ही बोलते हैं, फिर फिफ्थ जब लेवल पे गिरेगा कोई भी हायर से फिफ्थ पे, इसको बोलेंगे क्या फंड, पी साइलेंट है पी फंड है लेकिन फंड बोलेंगे, फंड सीरीज, ये किस रीजन में आती, फार इंफ्रारेड, पर ये यानी कि ये तीनों इंफ्रारेड में ही आ रही है, समझ रहे हो, जो लास्ट तीन सीरीज है ये तीन किस में आ रही है, इंफ्रारेड में आ रही है, इसके अलावा हम्फ्रे भी होता है, हम्फ्रे ऊपर में, अब यहां तक आ रही है तो क्या हो जाएगा, हम्फ्रे सीरीज है ना, ठीक है, ये फार फार इंफ्रारेड में चली जाएंगे और दूर इंफ्रारेड, ठीक है, फिर लाइमन सीरीज के लिए एनएल की वैल्यू बताओ, लोअर ऑर्बिट लोएस्ट ऑर्बिट क्या है, वन लोएस्ट ऑर्बिट वन है, और हायर वैल्यू कुछ भी हो सकती है 2, 3 इंफिनिटी तक, ठीक है, इसके लिए वेव नंबर का क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/λ हाइड्रोजन एटम के लिए R इनटू 1/(1²-1)NH², आया ना, वो एनएल तो 1 फिक्स रहेगा, एनएच बदलता जाएगा लाइमन के, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी कौन सा ट्रांजिशन हमें नहीं पता, कोई भी हो सकता है, बट वन तो फिक्स है ना लाइमन के लिए,
ठीक है। अब इधर आ जाओ विजिबल रीजन में, एनएल की वैल्यू क्या है बामर सीरीज के लिए 2 और एनएच क्या है 3, 4, 5, 6, 7 इनफिनिटी तक, इसके लिए भी यहाँ पे बस क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, ये देखो ऐसा आ जाएगा आर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/NH² आया। इसी तरह यहाँ पे कर लोगे आप, तो बट लो एनएल की वैल्यू यहाँ पे 3, एनएच की वैल्यू 4, 5 हायर एनी हायर देन इनफिनिटी तक, और वेव नंबर 1/λ कर ही देता हूँ ना कॉपी करो, ठीक है। इसके आगे तो कर लोगे, करो करो बताओ वैल्यूज लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट या मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर लाइन एंड सीरीज। लाइन के लिए लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी थी 2 to 1, तो एनएल की वैल्यू क्या लेंगे जब सवाल आएगा लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो एनएल की वैल्यू तो 1 रहेगी बट एनएच की वैल्यू 2 लेंगे। यहां ये देखो इनकी तो एनएल वैल्यूज तो फिक्स ही है, इनका तो एनएल तो कभी नहीं बदलता, एनएच बदलेगा। एनएच यहां पे क्या हो जाएगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में 3, 4, 5 समझ रहे हो। ये न्यूमेरिकल्स के काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन अपने को मिल गई यहाँ पे। इसी तरह मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ कर दे या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो एनएच की वैल्यू क्या हो जाएगी इंफिनिटी। सारे केसेस में एनएच की वैल्यू क्या हो जाएगी इंफिनिटी अगर यहाँ मिनिमम वेवलेंथ कर दे। ठीक है, सो लेट अस नाउ डू वन क्वेश्चन। हो गया ये डायग्राम बन गया सर, नहीं सर, नहीं सर, ये साइड हो गई नहीं सर, नहीं सर, तुम पागल हो नहीं सर, क्या होता Thank you.
ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करें. हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट अस सी. For H atom, what is the ratio of maximum to minimum wavelength corresponding to Balmer series, है ना? क्या निकालना है आपको? Lambda max is to lambda min ratio निकालना है ना? किसके लिए? कौन से atom के लिए? मतलब Z की value? और कौन से series के लिए? मतलब NL की value? NH की value? कुछ भी हो सकते, 3, 4 से लेकर. अब हमें लैम्डा मैक्स ये निकालना था हमारा एम. तो पहले हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, वन अपॉन लैम्डा मैक्स है ना इज इक्वल टू आर इनटू हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, जेड स्क्वायर को तो हमने वन स्क्वायर लिख दिया होगा क्योंकि जेड वन है. एन एल एल कितना है, वन टू स्क्वायर है ना, माइनस मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइन कौन सी होती है बताओ बामर के लिए, एन एच क्या होता है उसके लिए, थ्री. तो यहाँ क्या डालेंगे, थ्री स्क्वायर है ना, और इसको सॉल्व कर लेंगे. तो जब आप सॉल्व करोगे तो लैम्डा मैक्स आपको लगभग 36/5 आ आएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे ठीक है. और फिर आप क्या करो, वन अपॉन लैम्डा में इस तरह लिखोगे, वन अपॉन लैम्डा में लिखो, कैसे लिखेंगे बताओ, हेल्प करो मुझे, मुझे नहीं आता. वन अपॉन टू स्क्वायर माइनस वन अपॉन मिनिमम वेवलेंथ कौन सी लाइन को करस्पॉन्ड करेगा बामर में, मिनिमम वेवलेंथ मतलब यहां से यहां इंफिनिटी हो गई ना एनएच, इंफिनिटी स्क्वायर, तो 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, तो ये तो 0 हो गया, r / 4, देयरफॉर लैम्डा में क्या हो गया, 4 / r आया ना, ये इक्वेशन 2 डिवाइड कर दो दोनों को आ जाएगा आंसर, बताओ क्या आता है, समझ में आया, इजी है. 4 / r वन अपॉन इन्फिनिटी का होता है जीरो, तो 1/4 आर, तो डिवाइड कर दिया आपने लैम्डा मैक्स बाय लैम्डा मिन, कितना आ गया बताओ, लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिन डिवाइड करो क्या है, 36/5 आर अपॉन 4/ आर, ये तो मैक्स है ना, सिंपल लैम्डा मैक्स बाय लैम्डा मिन 9/5 आ जाएगा, देखो है ना, आर आर कट जाएगा 9/5, सो ये आपका आंसर आ गया ठीक है, इजी. बस यही घटना होता है इस टाइप पे, बेकार बेकार सवाल है. दो और सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में. Same wavelength as the Balmer transition.
प्लस स्पेक्ट्रम, एच ई प्लस स्पेक्ट्रम करो. What transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as Balmer transition, n equal to 4 to n equal to 2 of the He plus spectrum. तो देखो क्या दिया हुआ है इन्होंने सवाल में, He plus देखते हैं Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2. और आपको निकालना क्या है, वेवलेंथ दो ट्रांजिशन का है. ओके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यहाँ दिया है और यहाँ हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम है. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो जेड वन होता था. और व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मतलब यहाँ पे वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बामर ट्रांजिशन. तो हमें किसका बामर ट्रांजिशन दिया है, हीलियम प्लस का, है ना. तो यहाँ पे वन अपॉन लैम्डा कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या बोलो, आर जेड स्क्वायर आर, जेड स्क्वायर आर इंटू वन अपॉन एन एल स्क्वायर माइनस 1 upon NH, ये हमारा जनरल फॉर्मूला था. तो इससे 1 upon lambda आ जाएगा 2 square into R upon 1 upon NL, NL क्या हो जाएगा 2, NL की वैल्यू 2 के लिए है क्योंकि बामर में ये ट्रांजिशन N की N lowest lower की वैल्यू 2 दी हुई है, हायर की वैल्यू क्या दी है 4, तो 1 minus 4 square. इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलता है, देखो 4R into 1 upon 4 minus 1 by 16, ये 1 by lambda, so 1 by lambda देखो कितना आ गया 4R इंटू 16 है, 4 4 द 16 माइनस 1 3 बाय 4 4 द 3 3r बाय 4 आ गया 1 बाय लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा क्या मिल गया 4 बाय 3r. और ये इक्वेशन 1 मान लो. और जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम दिया है उन्होंने, बोल रहे हैं उसकी भी वेवलेंथ क्या हो जाए, सेम हो जाए. तो लैम्डा इसके लिए हम लोग कैसे फार्मूला लिखते थे, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r इनटू 1 अपॉन nl स्क्वायर माइनस क्या nh स्क्वायर. हमें फाइंड क्या करना है मालूम है, NL और NH की वैल्यू फाइंड करनी है. बिकॉज़ बोले व्हाट ट्रांजिशन, मतलब कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा है हाइड्रोजन एटम के अंदर, स्पेक्ट्रम के अंदर, समझ रहे हो, व्हिच हैज द सेम वेवलेंथ एज दैट जो यहां से मिला, समझ रहे हो, क्वेश्चन समझ में आया, समझ रहे हो ना. तो ये लैम्डा जो है तो यहां वन अपॉन क्या डालेंगे 4 बाय 3 आर, तो यहां आ जाएगा 3 बाय आर बाय 4 आया ना यहां से, वेवलेंथ बोल रहे सेम होनी चाहिए. और आर यहाँ पे भी है 1 upon nl square minus 1 upon nh square, हाँ है ना, आर आर कट गया क्या मिला 3 by 4 is equal to 1 upon nl square minus 1 upon nh square. ये आंसर 3 by 4 कब आएगा, जब nl की वैल्यू 1 हो जाए और nh की वैल्यू क्या हो जाए 2 आ गया आंसर. देखो यहाँ 1 पुट करो यहाँ 2 पुट करो तो 1 minus 1 by 4 3 by 4 आता है. So, ये एनएल की वैल्यू 1 होनी चाहिए, एनएच की वैल्यू 2 होनी चाहिए, आगे आंसर नोट कर लो, इजी. यानी कि हीलियम एटम के अंदर जो ट्रांजिशन n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 2 का था बार्मर सीरीज के लिए, वो हाइड्रोजन एटम के लिए 1 से 2 से 1 का ही ट्रांजिशन तो पूरा कर रहा है, है ना, ठीक है. तो ये नोट कर लो, कोई बात नहीं, तो ज्वेलर हो क्या करना, इसको असली केमिस्ट्री आती है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्या, कोई बात नहीं. बातें कर रहा हूँ, क्या बातें कर रहा हूँ,
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन 56 है एनसीईआरटी का, ठीक है ना. कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द एमिशन ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑर्बिट having radius of 1.3225 nanometer and ends at 211.6 picometer full stop. Name the series to which this transition belongs and the region of the spectrum ठीक है. ओके देखो करो कैसे किया जाए इसको. एक मिनट, अरे ये तो पढ़ाया नहीं है. क्वेश्चन 55 था, सॉरी 56 नहीं, 55 क्वेश्चन करो. 55th एनसीईआरटी का 55th है ये, अभी मत करो, रुक जाओ, अभी नहीं कर पाओ. क्वेश्चन 55 एनसीईआरटी क्या है बोलो. एमिशन ट्रांजिशंस इन पैश्चन सीरीज एंड एट ऑर्बिट n equal to 3 and start from orbit n and can be represented as mu equal to 3.29 into 10 power 15 hertz into 1 upon 3 square minus 1 upon n square. Calculate the value of n. If the transition is observed at Twelve eighty five nanometer. Full stop. Also find the region of spectrum. दो बातें करनी है आपने. पहला पार्ट है कैलकुलेट ईयर, ये फाइंड द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम. तो रीजन तो तुमने डायरेक्टली बता दोगे पैशन सीरीज है कि नहीं. पैशन किस रीजन में लाई करती है, इंफ्रारेड. तो आंसर ये तो पक्का है, सेकंड पार्ट का आंसर तो आएगा इंफ्रारेड सीरीज. ये बोल रहा है भाई कोई nth ऑर्बिट से स्टार्ट हुई, स्टार्ट्स फ्रॉम ऑर्बिट. ट्रांजिशन कहां से स्टार्ट हुआ बताओ. nh की वैल्यू क्या है इनके क्वेश्चन के हिसाब से, n. nh की वैल्यू क्या है n, और लोअर ऑर्बिट कहां तक है, nl की वैल्यू क्या है, 3 होती भी है पैशन में तो लोअर ऑर्बिट 3 होती है, इसमें बताने की जरूरत है. तो अब मैंने ये बता दिया. और ये क्या दिया इस बार, वेवलेंथ की जगह क्या दिया, फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया. और किस ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ क्या ऑब्जर्व की गई ये. तो आप क्या करोगे, पहले फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड कर लोगे कैसे, c / लैम्डा करके. लैम्डा दिया हुआ है ना, 1285 आप पुट इनटू 10 पावर माइनस 12 पिको वो मीटर हो जाए, सॉरी 10 पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा क्योंकि नैनोमीटर है. और यहां 3 इनटू 10 पावर इससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, इस फ्रीक्वेंसी को यहां पुट करो. बाकी मैथ्स है, निकलना है n तो निकालना है. फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन ऑब्जर्व एट दिस वेवलेंथ, उसके लिए n निकालना है बस. तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल लोगे, c / लैम्डा कर लोगे, लैम्डा दे रखा है और यहां पुट कर दो, n आ जाएगा. बस नोट कर लो. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोर्स मॉडल करेंगे डिटेल में, बोर्स एटॉमिक मॉडल.